अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं जी। आज हमारे पास एक न्यू ऑर्डर रेडी हुआ था, हमने कहा हम आपके साथ भी शेयर करें। आपको यहाँ से कोई चीज़, कोई डिज़ाइनिंग मिल सके, कोई कॉन्सेप्ट मिल सके तो आप अपने कपड़ों के ऊपर यूज़ करें। अच्छा, ये रेप्लिका है हमारे पास। आज ना 5 सूटों का ऑर्डर आया था रेप्लिका का, जिसको आपने बहुत अच्छे से करके देना है। लोग अक्सर करते हैं कॉपी ले लेते हैं और बहुत नॉर्मल सा स्टिच करवाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो भी अच्छे से स्टिच हो। अब ये क्रिम्सन की कॉपी है, ठीक है जी, क्रिम्सन का रेप्लिका है। इसको एक अच्छे तरह से हम किस तरह से कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो दुपट्टा शेयर करते हैं। इसको कहा गया था जी ये रेडी टू वेयर दुपट्टा है, तो कस्टमर ने डिमांड की थी कि दुपट्टे को आप ज़्यादा ना खोलिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैचेज ऐसे लगे हुए थे कि अगर हम इसको उधेड़ते उतारते तो माइट भी कहीं से ख़राब होता। हमने फिर भी इसकी फिनिशिंग ऐसे दी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बैक साइड से, कि जितना हमारे से फिनिश हो सकता था इसको हमने उतारा। इसकी हमने फिनिशिंग खुद की है, फर्स्ट पीस हमने उतार के इसको हमने फिनिश करके प्रॉपर खुद लगाया है, बाकी को हमने इतना नहीं छेड़ा। फिर हमने बकायदा ये इसके ऊपर ये फिनिशिंग पट्टी सिल्क की लगाई है, और इस तरह से ये दुपट्टा आपका बैक साइड से भी बहुत नीट हो गया और ये फ्रंट में भी आपके पास आ गया। और फिर हमने इसकी फोर साइडेड इस तरह से ये एक्सेसरीज लगा दी हैं। ये हैंडमेड एक्सेसरीज हैं जिसको हमने फोर कॉर्नर्स के ऊपर लगाया है, तो दुपट्टा बहुत खूबसूरत एलिगेंट ये इसके साथ सेट हो गया। ये आ गया ठीक इसका दुपट्टा। अब हम इसकी जाते हैं ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र आप चेक करें, प्रॉपर टेलर मेड कस्टमाइज ऑर्डर है क्लाइंट के ड्रेस के अकॉर्डिंग, मतलब जो उसने साइज़ दिया था। तो फिनिशिंग पट्टी के साथ हमने ये लेस इसकी लगाई है, क्योंकि इसके ट्राउज़र के ऊपर थोड़ी सी इस तरह की अटैचमेंट आ रही थी, और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसको हाफ एंड हाफ, इसको सॉरी फुल फोर साइड इलास्टिक के साथ, क्योंकि ये क्लाइंट की डिमांड थी। ठीक है, हम वैसे हाफ एंड हाफ बेल्ट यूज़ करते हैं, इस क्लाइंट ने कहा था फोर साइड इलास्टिक के साथ आपने मुझे करके देना है, तो हमने फोर साइड इलास्टिक के साथ इनको स्टिच करके दिया है। अब आ जाएं जी शर्ट के ऊपर। तो शर्ट की आप लुक चेक करें, बहुत नाइस डिसेंट में इस पर किया है। इस पर एप्लिक वर्क बहुत ज़्यादा था, ये पूरी नेक लाइन एप्लिक हुई है, इस पर हमने ये बटन लगाए हैं इसके ऊपर। फिर अगर आप दामन देखें तो ये सारा एप्लिक है, ये फुल पैच एप्लिक है, दामन एप्लिक है, दोनों साइड्स एप्लिक हैं। फिर ये काव्या वर्क किया गया है सारा, और इस तरह से ये इसकी फ्रंट एंड है। मैं यहाँ पे इस तरह से करके दिखाना चाहूँगी, ये देखें इस पर एक्सेसरीज वर्क है, हमने इसको बहुत लाइट फिनिशिंग सा ये एक्सेसरीज वर्क दिया है, ताकि ये इसकी लुक जो है थोड़ी सी और इन्हांस हो। अगर आप चेक करें इसकी फिनिशिंग प्रॉपर सिल्क की फिनिशिंग के साथ। अब लोग क्या करते हैं कि अक्सर फिनिशिंग जो है वो कॉटन की या बाजारी लगा लेते हैं जिन्होंने नॉर्मल काम करवाना होता है, लेकिन इसके ऊपर हमने प्योर रेशम कॉटन का इनर दिया है, जो हम ओरिजिनल ब्रांड या अच्छे सूट्स पे देते हैं। हमने बकायदा फ्यूजिंग के साथ इसकी सारी फिनिशिंग के साथ ये अटैचमेंट दी है, आप देख सकते हैं। एप्लिक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अप्लाई की गई है, नीटनेस का प्रॉपर ख्याल रखा गया है, और ये बैक इसकी प्लेन आई है। अच्छा, जिस तरह कस्टमर की डिमांड थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमने इस सूट को स्टिच किया है। अब आप भी करवाना चाहें या इधर से आप कोई आइडिया लेना चाहें अपने सूट पे किस तरह से करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने ट्राउज़र के ऊपर दिया है, ये हमने बाजुओं के आगे इसकी लुक दे दिया है, और ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ सारे स्टिच किए गए। अब इनका नेक्स्ट आर्टिकल आपके साथ शेयर करते हैं। अब आपको दिखाने लगे हैं हम सेकंड आर्टिकल इसी क्लाइंट का ही। अच्छा, मैं आपको बार बार रेप्लिका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ओरिजिनल होता है ना, तो ओरिजिनल के साथ पैचेस बड़े फाइन और बड़े डिफरेंट आते हैं। रेप्लिका डेफिनेटली आप किस प्राइस में, किस क्वालिटी में खरीद रहे हैं, उसके साथ क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमने उसके अंदर काम करके देना है। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट करने लगे हैं। ये भी कॉपी है, मोस्ट ऑफ आप हमारी अपडेट में भी देखते हैं, बहरहाल ये क्लाइंट ने खुद भिजवाया हुआ है। इसके ट्राउज़र को हमने प्रॉपरली इस तरह से फिनिश किया है। ठीक है जी, ये आगे इसकी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, ओवरलॉक के साथ ये सारा मिल्की लेस लगाई गई है, क्वालिटी वाइज कि अच्छी उसमें हो। फुल इलास्टिक क्लाइंट के डिमांड के ऊपर फोर साइड इलास्टिक के साथ काम किया गया। फिर इसका दुपट्टा आपको दिखाते हैं। अच्छा, दुपट्टा इसमें भी रेडी आया था, हमें उसी चीज़ों में जाना था जो तैयार थी। अगर दुपट्टे के देखें तो ये लगी हुई है ज़रा एक्सपेंसिव वाली हैवी एक्सेसरीज, लेकिन हमारे पास ये रेडी आया था, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना था, हमने खुद से करके बस देना था कि इसको फिनिश। हमने क्या किया कि जो उनकी एक्सेसरीज आई है उसको हमने रिमूव ऑफ नहीं किया, लेकिन उसकी फिनिशिंग इस तरह से दे दी है। ये आप चेक करें, इस तरह से इसकी फिनिशिंग आ गई, बैक साइड पे फिनिशिंग पट्टी प्रॉपर फ्यूजिंग के साथ अप्लाई की गई है, और दुपट्टे को इस तरह से फिनिश दे दिया गया है। ठीक, ये दुपट्टे की फिनिशिंग आएगी उन्हीं की एक्सेसरीज के साथ, उसको हम लोगों ने रेडी कर दिया है। अब इसका भी हम दुपट्टा लेते हैं, शर्ट दिखाते हैं। अगर आप शर्ट चेक करें तो बहुत खूबसूरत चिकनकारी की शर्ट है, नेक लाइन को हमने प्रॉपरली उसी तरह ही पिक्चर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इसके दरमियान में क्रिस्टल के हमने ये स्टोन्स लगाए हैं, जो पहने हुए अगर आप देखें नेक लाइन के ऊपर इस तरह बड़ा इनहांस इसको करेंगे।
ये इसके बाजू आ गई, जिस तरह हमने ट्राउजर पे मिल्की लेस अटैच की है हमने उसी तरह से ही एक मिल्की लेस इसके बाजुओं पे अटैच की है। साथ ये एक्सेसरीज क्रिस्टल्स की अप्लाई की है। फिनिशिंग के साथ प्रॉपर ये सूट इस तरह एप्लीक के साथ स्टिच किया गया है। इसका दामन पे अगर अब आ जाएं तो ये दामन की डिजाइनिंग आप चेक करें, दामन पे ऑर्गेन्जा के साथ इस पे हमने स्कैल्पिंग की है, यहाँ पे हमने काविया वर्क किया है। अच्छा, इसके अंदर हमने होल नहीं किया क्योंकि जो ओरिजिनल का पैच आता है वो ओरिजिनल प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर होता है, ये दूसरी शीट होती है। अगर हम इसको यहाँ से करेंगे तो थ्रेड बर्न होने का खतरा होता है, तो इसलिए हमने इसमें होल नहीं किए, इसको हमने ऐसे ही अटैच किया है। और ये बड़ी फिनिशिंग के साथ इसकी यहाँ से कटाई की है सारी। ये इसका दामन आ गया, दामन के ऊपर आप एक्सेसरीज चेक कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड आ गई, बैक इसकी इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड थी और साथ हमने ये किया। तीसरा आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया और ये इतना डिसेंट ड्रेस है, किसी को ऑनस्टेज भी चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा, ये रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है, तो काइंडली इसकी जो लेंथ चीज़ है वो आपने ऐसे देखना है कि कस्टमर ने किस तरह कस्टमाइज़ करवाया है। बहुत खूबसूरत है, मुझे तो इसका कलर ही बड़ा प्यारा लवेंडर कलर से इसका लगा है। अच्छा, ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, ऑलरेडी फिनिश था लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो था ऑर्गेन्जा वगैरह लगी हुई थी, हमने उसको किया। जो आप रेडी कहते हैं ना दुपट्टे ब्रांड से आ रहे हैं, उसको हमें खोल के दोबारा करने में फिनिशिंग में बड़ी काफ़ी टफ जॉब मिलती है। अब ये देखें, जिस तरह ये आया था इस पर बहुत रफ था, हमने इसकी गुम सिलाई कर दी है ताकि बैक साइड से जब आप लें तो आपकी फिनिशिंग आए। ये बैक पैच देखे तो हमने जो मैक्सिमम हमारे से हो सकता था वो हमने गुम सिलाई के साथ किया है। फिर नीचे इधर काविया यूज़ कर लिया, काविया करके इसकी सारी ये फिनिशिंग की है। इस साइड पे भी इसकी ये सारी फिनिशिंग की है काविया करके, पैच को नीट किया है, जितना मैक्सिमम नीट हमारे से हो सकता था हम लोगों ने इसको नीट किया है। तो ये दुपट्टे की नीटनेस आ गई। फोर्थ साइड इस पर बहुत खूबसूरत हमने हैंगिंग दे दी है, इसको हमने फ्लावर के साथ और यही लेवेंडर कलर के साथ इसको किया है और ये इसकी लुक देखें बड़ी प्यारी आ रही है। तो दुपट्टा इस सूट का ऑसम, ये सूट मुझे पर्सनली भी बड़ा प्यारा लगा है, कलर बड़ा कूल है, अनस्टिच भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसका ट्राउज़र दिखाएं तो ट्राउज़र हमने सिंपल डिसेंट ही रखा है। आप ओरिजिनल में देखें तो उसमें जिस तरह जो एम्ब्रॉयडरी या लेस लगी हुई है हमने उसको इस तरह से कर दिया, ठीक है जी। ये इसकी आगे बहुत खूबसूरत सी लेस पर्पल कलर में, साथ हमने ये प्रिंटेक्स डाल दिए हैं, टेलर मेड कट है, स्टिच है प्रॉपर। शर्ट दिखाएं तो शर्ट के ऊपर ये प्रॉपर जो ऊपर नेकलाइन है ये वाइट वाली, ये पहले काविया हुई है इसके ऊपर नेकलाइन के ऊपर, ठीक है। पर्पल वाले कपड़े के ऊपर ये हुआ है, फिर ये हाथ से 3D फ्लावर है। अब फ्लावर हमने किस तरह लगाए हैं, उसके ऊपर ये 3 पर्ल्स हैं, 3 पर्ल्स ऊपर लगा के उसके साथ हमने ये सारा किया है। बाजू आ गए, बाजू के हमने इसका काविया नीटनेस करके इसके ऊपर सारी फिनिशिंग की है प्रॉपर। यहाँ तक इसकी इस तरह टांका लगा के हम देते हैं ताकि आपने पहना हो तो बड़ी नीट लुक अंदर से फील हो। पॉपी को भी अच्छे तरीके से स्टिच किया है, इसी तरह ही इसकी साइड पे सारा इसको फिनिशिंग के साथ काविया किया है, ये सारा आ सकता है आ जाता है। और ये आ गया इनर, हमने प्योर कॉटन का इनर यूज़ किया है इसके नीचे, अच्छी क्वालिटी का, जो इसके ऊपर लुक भी बहुत अच्छी देगा। प्रॉपर हमने फिनिशिंग आप देखें, इसके साथ हमने सॉटन की फिनिशिंग यूज़ की है फ्यूजिंग के साथ और इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं किया क्योंकि ये जो बना हुआ है जैसे ये सूट है चिकनकारी का, उसके नीचे इतनी फिनिशिंग जो है इसको ज़्यादा नीटनेस और लुक दे रही है और वो बैट भी उसकी बहुत अच्छी आ रही है। बैक साइड देखें, क्योंकि बैक साइड का हमारे पास पैच नहीं आया था जिसका ये फ्रंट साइड का ये पैच था, तो हमने बैक साइड पे वाइट कलर की जो है वो लेस अटैच कर दी है उसी तरह की फ्रंट की लुक क्रिएट करने के लिए। और ये खूबसूरत सी इसकी बैक आ गई, फिनिशिंग आ गई। ये थर्ड ड्रेस है जो ज़ाती तौर पे मुझे खुद भी बहुत पसंद आया है। अब आपके साथ फोर्थ शेयर करते हैं जी, ये फोर्थ ड्रेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ब्लैक तो लव है सबका, सबको बहुत पसंद आता है, ब्लैक लवर्स बहुत होते हैं ड्रेस के। अच्छा, ओरिजिनल में अगर आप देखें तो लॉन्ग शर्ट और इनके पैचेज और सारा कुछ है। अब कॉपी को हमने किस तरह से स्टिच किया है वो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। सबसे पहले इसका दुपट्टा, दुपट्टे की हमने ना इसकी फोर साइडेड लेस कर दी है, तो अगर आप देखें ये इस तरह से ये दुपट्टा है, तो दुपट्टे की फोर साइड पे हम लोगों ने इस तरह से ये सारी लेस अटैच की है, इसके साथ ये फ्यूजिंग लगा दी है प्रॉपर ताकि दुपट्टे की लुक जो है वो बहुत अच्छी लेस के साथ आ जाए। ये दुपट्टा आ गया, इसका ट्राउज़र सेम हमने एज मॉडल पिक्चर जो है उसको लेस के साथ इस तरह से फिनिशिंग के साथ प्रॉपर लगाया गया है, फुल साइड जो है वो इलास्टिक बेल्ट के साथ क्लाइंट की डिमांड पे। अच्छा जी, इसकी दिखाती हूँ नेक लाइन, हमने इसकी नेक लाइन को इस तरह से इन्हांस किया, बिल्कुल प्लेन नेक लाइन जैसा वो बनी हुई थी तो हमें ज़्यादा सिंपल लग रही थी, इसके ऊपर हमने ये मोती इस तरह लगा दिए हैं और अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं कि कंप्लेन कोई ना आए। इसके ऊपर अगर आप पैच देखें, ये नेक लाइन का पैच, ये सारे पैच ऊपर एप्लिक हुए हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ किए गए हैं। ये बाजुओं के सारे पैच एप्लिक हुए हैं,
तो इस पे एप्लिक का बहुत काम था। अगर आप दामन देखें तो ये दामन का ये सारा पैच एप्लिक था, ऊपर से भी यहाँ से भी, तो प्रॉपर इसको फिनिशिंग के साथ किया गया। ये इसके बाजू आ गए, हमने इसके नीचे बड़ी प्यारी सी पहले इसको काविया किया ऊपर वाले पैच को, फिर उसके नीचे लेस रख के इस तरह हमने प्रॉपर अटैचमेंट की है, और ये नीचे हमने इसके जो है ये फिनिशिंग पट्टी लगाई है। तो ऊपर जो एक सिलाई आ रही है वो इसलिए आ रही है कि एक ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, एक ये थोड़ा सा बैठ जाए, दूसरा नीचे से ये फिनिशिंग प्रॉपर आए। तो ये बहुत खूबसूरत इस पर एक्सेसरीज लगी गई है। ऐसे ही दामन आ गया, दामन आप चेक कर सकते हैं, तो दामन पे भी बड़ा डिसेंट ड्रेस है ये, और इस पर हमने कटवर्क किया हुआ है प्रॉपर, इसको कटवर्क करके काव्ये से, और इसके अंदर हमने ये एक्सेसरीज अटैच की हैं। और लेंथ इसकी जाहिर है एक क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग, दूसरा ओरिजिनल नहीं है, इसके अंदर ये पैच इतना था, ओरिजिनल के अंदर अगर आप देखें तो पैच ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन हमने ये बड़ा फिनिशिंग के साथ किया है, प्योर इसके नीचे इनर यूज़ किया है। अब इनर यूज़ करने में हमने इसको यहाँ तक रखा है ताकि इसमें जो चिकनकारी है वो थोड़ी सी इन्हांस होके निकले फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे इसी तरह से। और ये आ गई इसकी बैक साइड, बैक साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि बहुत फिनिशिंग के साथ सेम वैसे ही एप्लिक अप्लाई की गई है और ये सारा किया गया। अच्छा, हम बैक साइड पे समटाइम एक्सेसरीज क्लाइंट की डिमांड पे लगाते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपको उठने बैठने में वो थोड़ी सी तंगी देती है। अब इसका नेक्स्ट सूट आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, लास्ट सूट आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अच्छा, ये हम जरा जल्दी में कर रहे हैं, इसको भी रेडी हो गया, लेकिन थोड़ा प्रेस पे आपको वो आएगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, टाइम की शॉर्टेज है, हमारे पास वीडियो बन रही है पूरी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, ये दुपट्टा इस तरह से ऑर्गेन्जा का कि इसको पूरा ये काविया करके फिनिशिंग के साथ जो है वो प्रॉपर नीट किया गया है, और बैक साइड पे हमारे पास जो मैक्सिमम इसकी गुम सिलाई के साथ जो लग सकता था ये वाला पैच, वो हमने देखे फिनिशिंग के साथ इसको लगाया है। फोर साइड पे इसके बड़ी खूबसूरत हैंडमेड ये हैंगिंग है सारी, ये हाथ के बनाए हुए ये टसल्स हैं, ये देखें ये लगाए गए हैं। ये इसका दुपट्टा आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका ये ट्राउज़र आ गया। अच्छा, ट्राउज़र के ऊपर आप डिज़ाइन चेक करें, इसके ऊपर हमने इस तरह से लेस लगाई है घूम करके, देन ये इसकी सारी डिज़ाइनिंग, जो भी आप इसको प्रिंटेक्स कहें और प्लेट्स कहें, लेसेस कहें, आप ये थोड़ा सा दिखा दें। अब ओरिजिनल के हमने थोड़ी सी लुक को कवर करना था, तो ओरिजिनल में डेफिनेटली ये थोड़ी इस लुक में बना हुआ था, हमने भी उसी तरह ऑर्गेन्जा की लुक लेके इस तरह से इसको फिनिश में ये बनाया है, और सारा इसके थ्रेड देखें। और ये नेक्स्ट इसकी शर्ट आ गई, शर्ट पे आप चेक करें, ये नेकलाइन का डिज़ाइन है जो ओरिजिनल में बना हुआ है। अब इसके ऊपर हमने ऑर्गेन्जा लगा दिया, हमने इसको इस तरह से फिनिश किया है कि उसी तरह से इसको हमने ऑर्गेन्जा की फिनिशिंग के साथ इसको यहाँ पे किया है। बाजू के ऊपर देखें कि एक्सेसरीज को हमने इस तरह से ये प्रॉपरली अटैच किया है। ओरिजिनल के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ओरिजिनल में जो पैचेस दिए गए हैं ना, वो लेसेस और पैचेस को डबल्स के साथ किया गया है, इसमें ये दो पैच थे इस तरह से इसको अटैच करके, और हैवी एक्सेसरीज हमने इस तरह से लुक दे दी है। आप इसके दामन की तरफ आ जाएं तो दामन में सबसे पहले चौक देखें, चौक को हमने इस तरह छोटी लेस के साथ फिनिशिंग के साथ प्रॉपरली अप्लाई किया है, ये इसका पैच इस तरह से अटैच किया गया है, और नीचे हमने ये लेस लगा दी। अभी ये प्रेस से बैठ जाएगा, थोड़ा सा फिनिशिंग आपको जस्ट यहाँ से दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर हमने ये अच्छी वाली लेस लगाई है इस लुक को क्रिएट करने के लिए, वेवी लुक को क्रिएट करने के लिए हमने इसके ऊपर ये वेवी लुक की लेस लगा दी है, बहुत खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। ये इसकी बैक साइड आ गई, और बैक साइड के ऊपर भी हमने सेम लेस और इस तरह ये सारा फिनिशिंग के साथ आप चेक कर सकते हैं कि काम किया है इसके ऊपर, ये सारी इस तरह फिनिशिंग के साथ। अभी तरपाई इसकी हो रही है, ये वाली कच्ची की सिलाई है, तो मैंने कहा मैं आपको ये वीडियो के अंदर ही ये वाला सूट दिखाऊं कि कैसे स्टिच हुआ है, मज़ीद की भी हम फिनिशिंग करेंगे। थैंक यू फॉर स्टे विद अस, और अगर आप अपने कपड़े स्टिच करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लें, 03222326603 #happiness स्टिचिंग यूनिट ईडन गार्डन फैसलाबाद में आप हमें विजिट भी कर सकते हैं, और अनस्टिच में अगर आपको इनमें से कोई कॉपी चाहिए तो पिक्चर दे के पता करवा लें। थैंक यू।